हे गाइस, सो मैं इस वीडियो में आपसे बात करने वाली हूँ मेरे बर्थडे मंथ के बारे में, जो कि मैंने बहुत ही अच्छे से सेलिब्रेट किया, क्योंकि ये सिर्फ मेरा बर्थडे मंथ ही नहीं, मेरी एनिवर्सरी मंथ भी है. सो इट्स अ डबल सेलिब्रेशन मंथ. तो इस मंथ को मैंने बहुत ही अच्छे तरीके से स्पेंड किया. फुल मंथ मैंने पार्टी भी करी, मैंने इंजॉय भी किया, प्लस मैंने अच्छा काम भी किया, क्योंकि मैंने इस बार डिसाइड किया था कि मैं दान करूँगी, चाहे वो बच्चों को हो, चाहे जानवरों को हो, चाहे डॉगीज़ को हो, किसी को भी हो, मंदिर में हो. मैंने पूरी कोशिश करी है कि पूरे जून के मंथ में मैं अच्छी अच्छी चीज़ें करूं और ख़ुद को खुश करूं, मतलब जिस चीज़ से मुझे खुशी मिलती है वो मैं करूं. और मैं सारे क्लिप्स आपके साथ शेयर करूंगी इस वीडियो में. ये वीडियो एक्चुअल में तो मुझे जुलाई में पोस्ट करनी थी, बट फॉर सम रीज़न्स मैं एडिट नहीं कर पाई, बट टुडे आई गॉट द टाइम टू एडिट एंड डूइंग वॉइस ओवर. सो आई एम पोस्टिंग दिस वीडियो ऑन 1st of August, एंड मेरा बर्थडे था जून में. सो पूरा मंथ मैंने जून का बहुत ही अच्छे से सेलिब्रेट किया, एंड आई लिटरली लव दैट मंथ. और वैसे ही मुझे बहुत पसंद था, मेरा बचपन से ही बहुत पसंद था, बिकॉज मेरा बर्थडे मंथ था, प्लस मैंने इस मंथ में शादी भी कर ली, तो ये डबल सेलिब्रेशन वाला मंथ हो गया. सो सबसे पहले तो मैंने पुष्कर गई और बहुत सारे जानवरों को मैंने खाना खिलाया, जैसे आप वीडियो में देख सकते हैं, गाय को, बंदरों को एंड डॉगीज़ को. तो मैं हर रोज़ ही खिलाती हूँ, मेरे गली के डॉग्स जो भी होते हैं उनको तो मैं खिलाती ही हूँ. और बट इस मंथ मैंने और भी डॉग्स को, मेरे गली के वालों के अलावा भी मैंने बहुत सारे डॉग्स को और कैट्स को फीड किया है इस बार, एंड कोशिश करी है कि मैं जितने लोगों को हो सकूँ दान करूँ और इस मंथ में अच्छा काम करूँ. सो मैंने किया, कोशिश तो पूरी थी. आई होप आप लोगों को अच्छा लगा हो. एंड आई नो कुछ लोग बोलेंगे कि ऐसे शो ऑफ नहीं करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, बट मेरा सिर्फ ये मकसद है इस वीडियो से कि आप अपना बर्थडे पार्टीज़ करो, मना नहीं है, पार्टीज़ तो करना बनता है, बट अच्छा काम भी करोगे तो और भी अच्छी बात है. एंड मुझे लगता है सबको अपना बर्थडे इस तरीके से मनाना चाहिए. और भी मेरे बहुत प्लान्स थे बट वो एग्जीक्यूट नहीं कर पाई, तो अगले साल ज़रूर एग्जीक्यूट करूँगी, बहुत सारे प्लान्स थे मेरे, बट कोई बात नहीं, हर साल कुछ नया होगा अगर कुछ सोचूंगी तो. बट ये मेरी छोटी सी कोशिश थी कि मैं कुछ अच्छा कर सकूँ इस महीने और मेरे बर्थडे मंथ को और स्पेशल सेलिब्रेट करूँ इन प्यारे प्यारे जानवरों के साथ और प्यारे प्यारे बच्चों के साथ. सो मुझे काफ़ी खुशी हुई. एंड प्लीज़ स्प्रेड पॉजिटिविटी. आप ये वीडियो देख रहे होंगे तो सबके मन में अलग अलग ख्याल आते हैं, सब लोग पॉजिटिव नहीं सोच सकते, आई नो, बट प्लीज़ अगर कोई नेगेटिव सोच भी रहा है तो अपनी नेगेटिविटी आप अपने पास रखें, एंड कमेंट ना ही करें तो ज़्यादा बेटर है. बट अगर आप पॉजिटिव सोच रहे हैं और अच्छा सोच रहे हैं इस वीडियो को देख के, सो डू कमेंट. एंड आई होप आप लोग भी अपना बर्थडे ऐसे सेलिब्रेट करें, या बर्थडे नहीं तो कोई और स्पेशल ओकेजन आप अपने ऐसे सेलिब्रेट करें, तो आपको बहुत खुशी मिलेगी, एंड दूसरों को खुशी देने से बहुत ज़्यादा खुशी मिलती है. एंड मैंने पार्टी भी करी है. सो मैं सिर्फ दान की वीडियो नहीं, इसमें मैं पार्टी की भी वीडियो दिखाऊंगी आपको कि मैंने कैसे पार्टीज़ भी करी है मेरे बर्थडे मंथ में और एनिवर्सरी में, और कहाँ होटल स्टे किया है, सब मैं इस वीडियो में दिखाऊंगी. सो कीप ऑन वॉचिंग दिस वीडियो. बच्चों को जो चैरिटी की है मैंने, वो करी है रोशनी फाउंडेशन की तरफ से. सो ये एक बहुत ही अच्छा काम करते हैं. तो आपको भी अपना बर्थडे ऐसे सेलिब्रेट करना है तो आप रोशनी फाउंडेशन को कांटेक्ट कर सकते हैं. ऑल्सो अगर आप डॉगीज़ की हेल्प करना चाहते हैं या कोई जानवरों की हेल्प करना चाहते हैं तो आप टोल्फा से कनेक्ट कर सकते हैं. मैं भी टोल्फा गई थी डॉगीज़ एंड बाकी जानवरों को खिलाने. सो यू कैन कॉन्टैक्ट दैम ऑन इंस्टाग्राम. अब मैं आपको लेके चलती हूँ मैंने कहाँ कहाँ फ़न करा. तो मैं सबसे पहले गई थी फ़न किंगडम जब मैं जयपुर पहुँची थी, तो वो जो क्लिप्स थी वो सारी अजमेर की थी, मेरे होम टाउन की. अब मैं आ गई हूँ जयपुर थोड़ी पार्टी शार्टी करने, फ़न करने. तो मैं आई हूँ फ़न किंगडम विथ माय फ्रेंड्स टू सेलिब्रेट माय बर्थडे वीक, आप कह सकते हो. सो फ़न किंगडम में हमें बहुत मज़ा आया. ये वैसे इन्विटेशन था फ़न किंगडम की तरफ से, बट स्टिल आई काउंटेड एज माय बर्थडे सेलिब्रेशन. सो काफ़ी मज़ा किया हमने यहाँ पे, बहुत सारे राइड्स थी, एंड इट्स गुड फॉर किड्स, बट हम भी बच्चे ही हैं अभी भी, एंड हम बचपना करते हैं तो बड़ा मज़ा आता है. सो कभी कभी बचपना कर लेना चाहिए, एंड काफ़ी मज़ा आया. सो यू कैन ऑल्सो विजिट फन किंगडम ऑन योर स्पेशल डेज. फिर सेम डे हम लोग गए मैट पॉप्स पार्टी करने. सो पार्टी में बहुत मज़ा आया,
हम चार लोग तो थे ही, प्लस ब्यूटीफुल गर्ल्स भी थी हमारे साथ, तो इट्स अ गर्ल्स नाइट, तो काफ़ी मज़ा आया. एंड नेक्स्ट डे वी वेंट ऑन अ ट्रिप टू हिमाचल. इट वॉज अ अमेजिंग GB ट्रिप. GB का वीडियो ना मैं आपको अलग से दूसरे व्लॉग में दिखाऊंगी, बिकॉज अगर मैंने इसमें इंक्लूड कर दिया तो वो काफ़ी बड़ा वीडियो हो जाएगा. सो आई विल मेक अनदर वीडियो ऑफ माई GB ट्रिप. टिल देन यू कैन एन्जॉय दिस शॉर्ट ग्लिम्स ऑफ माई GB हिमाचल ट्रिप, एंड इट वॉज सो अमेजिंग. डू watch that video. Then we came back to Jaipur, और जयपुर आते ही हमने मचाई खूब चोरों की पार्टी and बहुत ही ज़्यादा enjoy किया. It was a girls night and हम गए थे लियोन, एंड लियोन के बाद हम गए टोक्यो. वहाँ पर हमने काफ़ी न्यू फ्रेंड्स भी बनाए एंड न्यू लोगों के साथ enjoy किया, बहुत मज़ा आया. एंड इट वॉज़ अ अमेजिंग नाइट, एंड टोक्यो वॉज रियली रियली नाइस. एंड नेक्स्ट डे वी वेंट टू डियाब्लो फॉर ब्रंच, and same day we did a amazing house party. It was just me and Anjali, and we really enjoyed our company. We both enjoyed a lot. हम दोनों को और किसी की ज़रूरत नहीं पड़ती, हम दोनों बहुत enjoy करते हैं अकेले में, and बहुत ही amazing night थी. So आज है मेरी 3rd anniversary, जिसमें विपुल मेरे साथ अभी नहीं है हाल फिलहाल, आने वाला ही इज़ ऑन द वे. सो रात को हमने थोड़ा सा केक कटिंग किया, अंजलि में ले केक लेके आई, मैं अंजलि के घर ही स्टे कर रही हूँ. हैप्पी एनिवर्सरी टू यू. सो थोड़ी सी हमने स्मॉल पार्टी करी फ्रेंड्स के साथ, एंड नाउ विपुल इज कमिंग एंड वी आर गोइंग फॉर अ ब्यूटीफुल स्टे. जो स्टे है, प्लेस है, वो मैं आपको जल्दी बताऊंगी, और हम वहाँ जाएंगे. मैंने अपनी पैकिंग पूरी कंप्लीट कर ली है, मैंने पूरा सामान फैला रखा था, मैंने उसकी पैकिंग कर ली है. अब मैं फटाफट से रेडी होंगी बिकॉज विपुल आने वाला है. सो आई एम ऑल रेडी. थोड़ा सा मैं अपने बाल वाल अभी बनाऊंगी, एंड दिस इज़ वॉट आई एम वेयरिंग. विपुल इज़ लाइक अच्छे से रेडी होना, सिक्स ही रेडी होना. सो आई एम वेयरिंग दिस फॉर मॉर्निंग. नाइट में देखते हैं क्या पहनेंगे अकॉर्डिंग टू द इवेंट एंड ऑल. सो या अभी बहुत ज़्यादा टाइम हो गया, मैं कब से रेडी हूँ, एंड विपुल अभी तक नहीं आया, एंड आई एम सो पिस्ड. बट मैं ज़्यादा उसको बोल नहीं सकती बिकॉज ही इज़ ड्राइविंग, ही इज़ कमिंग फ्रॉम भरतपुर टू जयपुर, एंड ही जस्ट एंटर्ड इन जयपुर, एंड अभी भी उसको 10-15 मिनट्स लगेंगे बिकॉज जयपुर का ट्रैफिक, यू नो गाइस. सो अभी हम जाएंगे फार्म हाउस, एंड काफ़ी सुंदर फार्म हाउस है. सो पूरा आपको मैं बताऊंगी हम लोग कहाँ स्टे करने वाले हैं, क्या क्या करने वाले हैं पूरे दिन, एंड क्या प्रॉपर्टी पे जाने वाले हैं. सो विपुल इज फाइनली हियर, और बहुत ज़ोर से बारिश आ रही है, देखो कितना पानी भर गया है. हमने कुछ नहीं खाया है दोनों ने सुबह से. सो मम्मी ने पैक करके दिए हैं हमको आलू के पराठे. हम कार में बैठ के आलू पराठे खा रहे हैं पहले, क्योंकि हमको बहुत ज़्यादा भूख लगी है. फिर तो प्रॉपर्टी जाके हमको मिल ही जाएगा लंच, बट स्टिल हम थोड़ा सा खा रहे हैं, तो बहुत भूख लगी है. आपको भी आलू का पराठे खाने हैं तो शेयर कीजिए, तीसरे नंबर वाला खिलाएगा. केक भी आ चुका है, हमने लिया है ओवन द बेकरी से केक, जो कि बहुत टाइम लग गया और हमें बच गई है. फोन आ रहा है आपका, डिलीट कर दो. अब बच चुकी है 3:06, आधा दिन वेस्ट हो चुका है, यू नो, आने जाने का सामान लेने. अब हम जा रहे हैं प्रॉपर्टी की तरफ, क्या मजे करेंगे हम, आधा दिन निकल गया हमारा जस्ट बिकॉज ऑफ यू. यू केम लेट, मैं टाइम पे आया, तूने मेरे को सिटी में बुलाया. सो जयपुर से 45 मिनट का ड्राइव है, हम जा रहे हैं इम्पेरियल रिट्रीट फार्म बाय ब्लैक बियर फार्म्स, एंड 45 मिनट का रास्ता है जयपुर से इसका, और रास्ता कुछ इस तरीके का है, आप देख सकते हैं थोड़ा गांव का एरिया आ जाता है बीच में, एंड ट्रैफिक हो तो आपको और टाइम लग सकता है बिकॉज़ अभी जयपुर में काम चल रहा है एंड प्लस बारिश भी है. सो थोड़ा और टाइम लग सकता है आपको. सो आई सजेस्ट यू कि आप टाइम से ही निकलें जहाँ भी आप जा रहे हैं,
जयपुर आ रहे हैं तो स्पेशली आपको टाइम से आना चाहिए बिकॉज ऑफ वेदर एंड वहाँ पे काम भी चल रहा है तो, एंड मौसम बहुत ही ज़्यादा सुहाना है तो रास्ते में ही काफ़ी ज़्यादा मज़ा आया हमको जाते जाते. एंड फाइनली वी रीच द लोकेशन इम्पेरियल फार्म्स एंड काफ़ी अच्छी प्रॉपर्टी है. एंड अब हम अंदर जा रहे हैं एंड आपको पूरा व्यू दिखाएंगे कि कैसा दिखता है एंड पूरा रूम टूर प्लस प्रॉपर्टी टूर आपको करवाएंगे. सो कीप ऑन वॉचिंग. सो वी फाइनली रीच द लोकेशन एंड दिस इज द ब्यूटिफुल प्रॉपर्टी. I mean, wow, और मौसम अच्छा है तो और भी खूबसूरत लग रही है ये प्रॉपर्टी. वेरी नाइस. ये है हमारा रूम जहाँ हम लोग स्टे करने वाले हैं. सो दिस इज अ वेरी ब्यूटिफुल रूम, बेड रूम विद दिस ब्यूटिफुल व्यू. सो हम आ गए हैं लोकेशन पे एंड वी आर हैविंग लंच एंड वी आर हैविंग दाल बाटी चूरमा. ये आफ्टर सो लॉन्ग, कब से मन था दाल बाटी खाने का. अब देखते हैं इसका टेस्ट कैसा है. एंड विद द व्यू. अच्छा ओके, बहुत अच्छा. अब मैं खाएगी. थोड़ी सी बाटी यहाँ रखी है, अभी देखना वो जो कौवा है वो यहाँ आके खाएगा. अभी वो थोड़ा सा खा के ही आता पहले भी. सो आई ट्राइड कि वो खाए. अब मैं साइड में हो जाती हूँ ताकि वो डरे ना. हेलो गाइस, सो लंच करके हमें बहुत 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 ज़्यादा नींद आ रही थी बिकॉज लंच बहुत ज़्यादा यम्मी एंड टेस्टी था. तो हम आते ही रूम में सो गए बिकॉज वी बोथ वर टायर्ड. लास्ट नाइट हमने मेरे फ्रेंड्स के साथ मैंने पार्टी करी, उसके फ्रेंड्स के साथ उसने पार्टी करी. सो वी वर टायर्ड एंड अब हम थोड़ा सा बाहर जाएंगे. शाम हो चुकी है, हम बाहर जाके देखेंगे क्या माहौल है, कैसा दिख रहा है रात को ये प्रॉपर्टी एंड थोड़ा सा चिल करेंगे, यू नो चिल. एंड नेक्स्ट डे मेरा बर्थडे है गाइस, सो वी आर गोइंग टू कट द केक एंड सेलिब्रेट हियर अभी रात को. एंड कल देखते हैं, लेट्स सी कहाँ जाते हैं. अभी तक आई स्वेयर कोई प्लान नहीं है. मेरा बर्थडे है और मेरा कोई प्लान नहीं है अभी तक. आई एम सो पिस्ड. जो भी प्लान्स थे वो थोड़े से मेरे कैंसिल हो गए. सो आई एम वेरी वेरी एंग्री एंड सैड एज वेल. बट आई होप कुछ ना कुछ प्लान हो जाएगा मेरे बर्थडे पे. या मैं लेके चलती हूँ आपको बाहर. अब सो दिस इज द नाइट व्यू ऑफ दिस प्लेस. अभी बहुत ज़्यादा लाइट कम कर रखी है जस्ट बिकॉज मच्छर बहुत ज़्यादा हैं बारिश की वजह से. So not at all happening at night, but yeah, this place is nice to sit and relax. I want to go in a pool, but बहुत मच्छर हो रहे हैं पूल के अंदर. सो अभी हम नहीं जाएंगे, हम सुबह जाएंगे पूल के अंदर. And yeah, it's a very peaceful and nice property. You can visit with your friends, family. I'm ready to cut my cake. It's my birthday. In 1 hour and I'm all set and ready with this cute dress and Vipul is still sleeping. He sleep all the day, I mean late hour. So I'm ready. Hum karenge cake cutting. Hamari party shatti ho gayi hai choti si.
सो इट्स अ स्मॉल डेट नाइट सेटअप एंड इट्स माय बर्थडे केक एंड इट्स माय पार्टनर. हैप्पी बर्थडे टू मी. हेलो गाइस, सो इट्स माय बर्थडे टुडे. कल रात को हम लोग केक कटिंग के बाद खाना वाना खाया एंड थोड़ा सा चिल किया एंड हम सो गए बहुत जल्दी, क्योंकि हम लोग लाइक तो थक चुके थे. दूसरी बात, हमें सुबह सुबह पूल में जाना था तो उसके लिए जल्दी सोना बहुत ज़रूरी था. तो अभी पूल थोड़ा सा गंदा है, साफ़ करने को बोला है. जब तक साफ़ होगा तब तक मैं रेडी होंगी एंड हम लोग आ जाएंगे पूल में, इंजॉय करेंगे. क्योंकि हमारे पास जो ये प्रॉपर्टी है वो आई थिंक 12 बजे तक की है, तब तक हम इंजॉय करते हैं. अभी 7 बजे हम लोग उठ गए हैं एंड 12 बजने में काफ़ी टाइम है, तो हम काफ़ी इंजॉय कर सकते हैं इस प्रॉपर्टी को. गाइस, पूल तो साफ हो गया है बट हम लोग पूल के अंदर नहीं जा रहे हैं, क्योंकि दिस इज द रीजन. क्या आपको दिख रहा है? ये मेंढक, इसमें खूब सारे मेंढक है, तो हम लोग इसके अंदर नहीं जाना चाहते हैं. लोगों को नहीं दिख रहा होगा, ये डोंट नो कब का पानी होगा ये. सो वी डिसाइडेड टू नॉट टू गो इन द पूल, क्योंकि आज मेरा बर्थडे भी है. सो आई डोंट नो क्या प्लान है आज का, बट आई डोंट वॉन्ट टू स्पॉइल माई स्किन प्लस माई हेयर. डिड द फोटो शूट बिकॉज प्रॉपर्टी इज़ वेरी ब्यूटिफुल. सो कल बारिश हुई थी तो मे बी इसलिए पूल गंदा दिख रहा है. भैया ने साफ किया बट स्टिल अभी भी थोड़ा सा गंदा है एंड मेंढक भी घूम रहे हैं इसके अंदर. सो मैं नहीं जा सकती, मुझे डर लगता है. सो या थोड़ी देर हम चिल करेंगे पूल साइड पर, हम ब्रेकफास्ट करेंगे एंड देन हम लोग निकल जाएंगे. हमारे पराठे आ गए हैं, अब हम करेंगे नाश्ता. It's such a beautiful and peaceful property. If you're planning a peaceful staycation with your family and friends, then you can come and visit here. Food बहुत अच्छा है इनका, rooms बहुत अच्छे हैं, property बहुत अच्छी है. बस मुझे एक ही दिक्कत आई थी, मैंने पूल का आपको बताया था कि फ्रॉग है उसमें, बट वो भी जस्ट बिकॉज ऑफ वेदर, क्योंकि कल बारिश हुई थी तो इसलिए मे बी हो रहा होगा. But if you planning to visit, then you can tell them to change the water or something. हमारा एकदम से प्लान बना था तो हमारा ऐसा कुछ डिसाइड नहीं हुआ था, तो वरना मैं पहले से उनको इन्फॉर्म कर देती अबाउट दी वाटर. एंड ऑल्सो देर इज़ नो वाई फाई एंड इधर नेटवर्क बहुत ही कम आते हैं, फ़ोन लग जाता है आई मीन. बट येस, आपका इंटरनेट इंस्टाग्राम चलने में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है. सो ये तो और अच्छी बात है, थोड़े दिन अगर आप दूर रहना चाहते हैं अपने फ़ोन से, सो यू कैन कम हियर एंड विजिट. सो या, दिस इज़ व्हाट आई वांट टू टेल यू गाइस. हमारा ब्रेकफास्ट हो गया है, अभी डे टाइम है, अब बस हम थोड़ी देर रिलैक्स करना चाह रहे हैं एंड फिर थोड़ी देर में निकलेंगे हम एंड थोड़ा और प्रॉपर्टी को विज़िट करेंगे कि यहाँ पर और क्या क्या है, और आपको भी दिखाएंगे. सो अब हम जा रहे हैं और मौसम अच्छा हो गया है, बट स्टिल वी आर लीविंग दिस प्लेस बिकॉज हमें शाम का भी प्लान करना है. आज मेरा हैप्पी वाला बर्थडे है, सो वी आर गोइंग बैक टू जयपुर एंड कुछ बढ़िया ही प्लान हो आई होप. अभी तक कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करने वाले हैं हम लोग, बट हम फ्रेंड्स से मिलेंगे और डिसाइड करेंगे. तब तक मैं आपको और भी प्रॉपर्टी का हिस्सा दिखाती हूँ. सबसे अच्छा मुझे एंट्रेंस एरिया लगा, यहाँ पर मैंने बहुत अच्छी फोटो शूट कराई
एंड वो एरिया तो है ही अच्छा विद द पूल एंड रूम। और मेरे पीछे है ये बहुत बड़ा गार्डन जहाँ पे आप खेल सकते हो फुटबॉल, वॉलीबॉल, क्रिकेट, एनीथिंग विद योर फैमिली। सो या इट्स अ वेरी बिग ग्राउंड, सो यू कैन प्ले हियर विद योर फैमिली एंड स्पेंड गुड टाइम। उधर वहाँ पे आप क्रिकेट खेल सकते हैं। एंड ये सुंदर सा पेड़, प्रॉपर्टी तो काफ़ी खूबसूरत है, सो मस्ट विजिट ऑन योर स्पेशल ओकेजन्स। एंड मौसम देखो क्या सुहाना हो गया है, वाओ। ओह माय गॉड, बहुत तेज बारिश हो रही है, हाउ वी कैन सेलिब्रेट आवर बर्थडे, करेंगे मस्त बारिश में सब। So I am at my friend's house and now I am now getting ready. These are my things and we are going to party hard, guys. Amazing. I'm ready to decide हम कहाँ जाने वाले हैं। So अब जाके ही बताऊँगी मैं कहाँ जाऊँगी and we gonna rock today. Yes.